बस दो ही मिनट लाने आपने, आ जाओ भाई यहाँ। पार्टी की जीत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। कार्यकर्ता बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए थे और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा पार्टी की तरफ से, नेताओं का, बड़े नेताओं का, इसमें माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी का, और दूसरे योगी जी आए थे यहाँ, उनका बहुत धन्यवाद, और साथ में राणा जी, सुरेश राणा जी आए, बहुत सारे और कार्यकर्ता बाहर से भी आए, सबका सहयोग से ही हम जीत पाए। तो एक ही है जो विकास का जो काम अभी अधूरे रह गए थे पहले, उनको करेंगे, जो लोगों की डिमांड होगी उनको पूरा करेंगे। आज की जीत, हरियाणा प्रदेश की जीत एक हिंदुस्तान में मोदी जी को मजबूत करेगी और विकास में सहयोग करेगी। देश को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत करने के लिए, बनाने के लिए हमें प्रदेशों में भी सरकार का बनाना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उनके सहयोग से भाई। जिस प्रकार से राणा जी एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरा था आपका या क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये ऐसा ना, ये जो सर्वे होता है ना, ये पुराना था जी, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो उसमें ऐड नहीं। जो आदमी बोलता है उसकी तो बात कह देते हैं, जो आदमी चुप रहता है उसका कैसे सर्वे करोगे आप जी। तो अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी रादौर के लिए, क्योंकि रादौर में पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किया हुआ ये थे, उनमें कोई अधूरा उसको पूरा करेंगे जी जी। और अपने कार्यकर्ताओं के पास जाके गाँव के अंदर बैठ के गाँव की डिमांड को पूरा करेंगे। गाँव जो चाहेगा वही काम करने चाहिए। तो राणा जी जैसे तो देखियो, RCC की सड़कें बननी चाहिए, यहाँ पर लोड बहुत है, जैसे खनन है इसका लोड, ट्रले बहुत बड़े बड़े हैं, RCC की सड़कें होनी चाहिए मेरी समझ में, तो सबसे पहले तो काम यही होना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में और हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए। राणा जी जैसे इसकी हाईवे की हालत लंबे समय से है, तो इसके लिए भी काम किया जाएगा क्या? नहीं नहीं, हाईवे तो नेशनल हाईवे तो इसी राज्य में बढ़ेगा, पहले तो कोई था नहीं, 4 लेन की जैसे राणा जी 4 लेन की लंबे समय से बढ़ने लगे, और जहाँ लाडू डिवाइडर है तो दियामले में डिवाइडर लगेंगे, कुछ सड़क को चौड़ा करेंगे और निश्चित तौर से सड़क की हालत को सुधारेंगे। पटियाले से हरिद्वार का रोड विचाराधीन है, वैसे हम कोशिश करेंगे उसको इस बार श्री चढ़ जगह जी। कितने मतों से हुई है और पहले कलम से? तो आप क्या क्या प्राथमिकता पर रहेगी और क्या क्या अधूरे और पिछड़े काम थे? जो लोगों के बीच में काम सुने, उनकी समस्याएं और जो उनका हल होगा, वो प्राथमिकता, सब प्राथमिकता में समस्याओं के सब प्राथमिकता। जीत का श्रेय सभी मेरे साथियों को, कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और सभी अपने साथियों का जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, रात दिन एक करके मेहनत करी है, मेरे सारे वर्कर्स ने, हमारे सारे वर्कर्स ने, सभी साथियों ने और सभी पार्टी के नेताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि सबने यहां पूरी से काम किया है और उसी का नतीजा है जीत, और ये सच की जीत है। 10 साल बाद वो जनता के बीच में गए, उनकी समस्याएं भी देखी और उनका हल भी करेंगे। प्राथमिकता पे जगाधरी हल्के वासियों की सब समस्याओं का हल करा जाएगा और सबका, सभी जगाधरी के वोटर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद। अभी जबकि चुनाव परिणाम भी नहीं निकला, आप सबसे पहले माता जी के मंदिर में जो है नमस्कार करने आए, मत्था टेकने आए, तो ये क्या ऐसा है? माता जी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, यहाँ पर सारा नगर यहाँ पर आता है और हर व्यक्ति को धर्म के साथ जुड़ने की यहाँ आकर प्रेरणा मिलती है और अपने जीवन को वो सादा रखे, सुंदर रखे, विचार उच्च रखे, यहाँ माता जी के मंदिर में आके प्रेरणा मिलती है। और मैं तो समाज के साथ साथ माता जी की मुझ पर कृपा रही ये कहने में भी मुझे कोई परहेज नहीं। अब तीसरी बार बनने के बाद आपका क्या टारगेट रहेंगे अगर मंत्री भी बन जाते हो तो? आप यमुनानगर का विकास और जनता मतदाता उसकी सुविधा पूर्वक उसका जीवन हो और किसी को भी कोई समस्या आती है उस समस्या का समाधान मैं करूं, ये मेरा प्रयास है।